ठीक है जी जी। अस्सलाम वालेकुम साहिद साहब जी। वालेकुम सलाम उमर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं? बड़ा प्यारा और बड़ा दर्दनाक सवाल किया आपने मेरे से। इसका जवाब ये है कि मैं वो इंतहाई बदकिस्मत जगह पे खड़ा हूँ जो पूरे पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी है। ये वो चाबी है, अगर मेरा भाई बता सके, ये वो चाबी है जहाँ पे कालाबाड़ डैम को बनना है। इस तरफ दिखाइएगा, ओनली ये जगह है जी। ये मेरा ख्याल है कि 1 किलोमीटर होगा, इस किनारे से दूसरे किनारे तक 1 किलोमीटर होगा। और ये जो एक किलोमीटर है, यहाँ से एक दीवार बनना है और इसके अंदर जो भी वो शाफ्टें माफ्टें बड़ांग जो भी इसके मुतलक सामान है यहाँ पे लगना है। यहाँ पे प्रोफेशनल प्रोवाइडर जो भी इसके मुतलक मवाद हो यहाँ पे फिट होना है, और जिसकी हाइट होगी उस चोटी से लेके इस चोटी तक। ना तो ये इस इलाके को छेड़छाड़ करेगा और ना ही नौशेरा डूबेगा किम में फल में, ना ही नौशेरा डूबता है। अगर किसी का घर जाए तो मेरे घर पे कब्जा कर लो, अगर किसी की शॉप जाती है तो मेरी शॉप पे कब्जा कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह हम कालाबाग के लोग, हम कालाबाग के लोग, हम कालाबाग के लोग, पूरे कालाबाग की कसम देता हूँ आपका, किसी का एक ईंट भी नुकसान हुई कालाबाग से आगे उखेड़ के ले जाए आप। लेकिन मेरे बदकिस्मत वो लोग जिनके हाथों के अंदर मेरे मुल्क की तकदीर है, देखिए कितना खूबसूरत जगह है, कैसे लोग आ रहे हैं, कश्तियाँ, अल्लाह पाक के खूबसूरत तरीन नज़ारा है ये। सामने पहाड़ देखिएगा, जहाँ से दिखाया जा रहा है ये नमक के भरे हुए पहाड़ है, कीमती कीमती नमक, कुदरती नमक, नेचुरल सॉल्ट। इससे वो ये वो नमक है जिससे रोशनी आर पार होती है, जिससे कैंसर का इलाज किया जा रहा है, दमे का इलाज किया जा रहा है, मुख्तलिफ बीमारियों का, लाखों मनों टन दूसरे मुल्क हम भेज रहे हैं। क्या यहाँ सैचुरेटेड वाटर नहीं लग सकती? क्या मेरे मुल्क के अंदर इससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता? क्या यहाँ से बिजली बन के पूरे मुल्क को अंदर सप्लाई हो और मुल्क तरक्की नहीं कर सकता? ये मेरा भतीजा जो इससे मूवी बना रहे हैं उमर, ये स्टेम रो रहा है, काश मैं इसके आंसू दिखा सकूं आपको। हुक्मरानों में आपके लिए हाथ जोड़ता हूँ, मेरे मुल्क के हुक्मरानों में आपके लिए हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दो, माफ कर दो मेरे मुल्क को, मत खाओ, बनने दो ये डैम, बनने दो डर, बनने दो डैम। मेरा अकेले का अगर कसम खुदा की इसमें वफात होता मैं ये कभी मूवी ना बनाता। ये मेरे पूरे मुल्क की तरक्की का राज है, ये है वो चाबी पड़ी हुई है, ये चाबी पड़ी हुई है। उठाओ इस चाबी को, जो जो मेरी इस मूवी को देखे, इस छोटे से चीज को देखे, खुदा का वास्ते इसको फैला दो, तमाचा मारो उसके मुंह पे, इस बगैरत कुत्ते के मुंह पे,
जिस चाबी से वो ताला नहीं खोल रहा, जिसमें आने वाली नस्लों की मेराज है, खुशहाली है, उनका आने वाला मुस्तकबिल महफूज है। ये लात मेरी ठा IMF के मुंह पे है, जो कर्ज के नीचे हम दब रहे हैं। मिस्टर इमरान खान, तेरी हुकूमत जाती है तो सो जाए, खुदा का वास्ता है, आज ऐलान करो, मेरे मुल्क का हर नौजवान आपके साथ खड़ा है। अगर दीजिएगा मुझे, अगर इस बच्चे के आंसू आपको नजर आ सके, अगर ये बच्चा रो रहा है और कंजर तुम क्यों नहीं रोते हो, ये रो रहा है इस चीज को देख के, वो परेशान है। मेरे इन कीमती लबास अल्फाजों को याद रखिएगा, मैंने मर जाना है, मैंने मर जाना है एक दिन, लेकिन मैं अपने मुल्क पे ये कर्ज छोड़ के जा रहा हूँ। उठो, शायद आज मैं सलाहुद्दीन अयूबी की बात बन के कर रहा हूँ बात आपसे, उठो, चाबी उठाओ और ये ताला खोल दो। ये वो ताला है, ये वो ताला है जो सर सब खुशहाल तरक्की का जामिन है। व्हाट मीन ऑफ यूरोप, व्हाट मीन ऑफ मिस्र, व्हाट मीन ऑफ अमेरिका, लंदन फलाना टिमकना, ये वो है। पाकिस्तान से हर शख्स अगर यहाँ पे नौकरी करने के लिए ना आए, कतारों में खड़े भीख मांग रहे होंगे वो लोग, जिनके पीछे आज मेरे बच्चे सऊदी अरब रुल रहे हैं, यूरोप के लिए तर्रे मिनते कर रहे हैं, उनके गंदे बर्तन और कुत्ते चाटे हुए चाटियां साफ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मेरे ये अल्फाज इस मुल्क के ऊपर कर्ज रहेंगे।